अचारी गोश्त बना रहे हैं, इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने सेपरेटली रख लिया है। फिर इसमें मैं गुर्दे ले रही हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके ड्रेन आउट कर लिया है इसका जो भी सारा पानी था। फिर इसमें जाएंगे सारे सूखे मसाले, इसको सारे मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसमें मैं लूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और कलंजी 1/2 टीस्पून, धनिया साबुत धनिया 1 टेबलस्पून और 4 सूखी लाल मिर्चें, और ये लेंगे ब्लैक पेपर, इसको मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसको सारा मैंने ड्राई रोस्ट करके सेपरेटली रख लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे तड़के में या बघार में, इसको मैं 2 लाल मिर्चें लिया है मैंने, सूखी साबुत लाल मिर्चें, मस्टर्ड सीड्स, काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा और कलौंजी, इसको मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। इसको अच्छे से मैंने डाल के ड्राई रोस्ट नहीं किया है, ऐसे मैं तेल में इसको भून लूँ, तल लूँगी। फिर एक टमाटर, इसको मैंने अच्छे से देखिए इस तरह से स्मॉल पीसेस काट के, बारीक पीस काट के उसको रख लिया है। फिर इसमें जाएंगे डालेंगे एक बड़ा ऑनियन, इसको मैंने ऐसे बारीक लंबाई में काट के रख लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें लिया है मैंने, इस तरह से कट लगा के रख लिया है, और 2 पीस कड़ी पत्ते के, और 1/2 कप मैंने धनिया लिया है। ये गार्निशिंग में डालूँगी सब सारी चीज़ें पकने के बाद। फिर इसमें डालेंगे सूखे पाउडर 1 टीस्पून, मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और ये मैं ज़ीरा और मेथी का पाउडर है, इसको मैंने पीस के अलग से पीस के रख लिया था। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, और नमक 1 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये देखिए मैंने ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल या कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल डाल के इसको बनाऊंगी, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, इसको अच्छे से सूखे मसालों को अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूंगी, फिर ऑयल डाल के इसमें तड़का लगाऊंगी, फिर ये सारे प्याज डालूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी और कड़ी पत्ता डालूंगी, फिर मटन डाल के उसको अच्छा सा भूनूंगी, फिर ये सूखा मसाला डाल के उसको अच्छे से भूनूंगी, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता दियो, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, दोनों ऑयल मैंने डाल लिया है। अभी इसमें मैं डालूंगी ये साबुत ड्राई मसाले, अच्छे से इसको भून लूँगी, फिर इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, ऑनियन चॉप किया हुआ ऑनियन, इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी, तल लूँगी। फिर हम इसमें मटन ऐड करेंगे, पहले इस सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए ये मैंने ऑनियन को थोड़ा हल्का सा ब्राउन करके इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे गोश्त, अब हम इसमें गुर्दे ऐड करेंगे, ये मैंने 1/2 किलो लिया है। अच्छा, ये देखिए अभी इसमें मैं ड्राई मसाले डाल के इसको अच्छा सा मैं भूनूंगी,
तब तक इसकी स्मेल और ये कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है, पानी मैंने ऐड नहीं किया है। ये टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन लिया है, गार्लिक, और हाफ टी स्पून मैंने जिंजर लिया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। देखिए टमाटर डाल के इसको भी मैं थोड़ा अच्छा सा भून लूँगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छा सा भून लिया है, फिर इसको टमाटर डाल के मैं इसको भूनूँगी। अब इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे सूखे ड्राई मसाले जो मैंने भून के रेडी किया था, उसको मैंने पीस लिया था। फिर इसमें ऐड करेंगे हम, फिर इसको भी अच्छे से भून के इसको अच्छा सा भून लेंगे तब तक ये टमाटर गल जाए। अच्छा ये देखिए इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसको क्या करूँगी, ये कुकर का ढक्कन बंद करके इसको दो या तीन सीटी देके हम इसको बाद में इसका प्रेशर खोलेंगे। अच्छा ये देखिए हमारा गोश्त रेडी हो चुका है, अचारी गोश्त बनके। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी रखा है, अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। अभी इसको मैं डिश आउट करूँगी। अच्छा ये देखिए हमारा अचारी गोश्त बनके रेडी हो चुका है, मैंने थोड़ा ग्रेवी रखा है, थोड़ा सा हल्का सा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।